व्हाट्सएप के जरिए अब हर कोई डिजिटल पेमेंट कर सकता है। व्हाट्सएप की तरफ से ये सर्विस भारत में शुरू कर दी गई है। व्हाट्सएप की इस सर्विस को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, बताइए व्हाट्सएप पे को इस्तेमाल करने का तरीका आखिर है क्या? व्हाट्सएप पेमेंट को एनपीसीआई की तरफ से मंजूरी मिल गई है और आपका जो व्हाट्सएप ऐप है वहां पर ये व्हाट्सएप पे एक्टिव हो गया है। तो किस तरह से आप अपने ऐप के जरिए भुगतान कर सकते हैं ये एक छोटे से डेमो के जरिए मैं आपको बताऊंगा। व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट करने के लिए आप जब सबसे पहले अपना ऐप खोलेंगे तो सर्च के ऑप्शन के पास में जो तीन डॉट बने हुए हैं उसे क्लिक करने के बाद आपको नया विकल्प दिखेगा पेमेंट्स का। और पेमेंट्स को जब आप क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट मेथड के अंदर आप अपना बैंक को जोड़ सकते हैं। ऐड पेमेंट मेथड जब आप क्लिक करेंगे तो तमाम जो बैंकें हैं वो विकल्प आ जाएंगे और वहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डालने के बाद बैंक जो है आपका लिंक हो जाएगा और उसमें आपको एक बार अपना यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। इसके अलावा राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर स्कैन का ऑप्शन दिया गया है तो इस क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट को पूरा कर सकते हैं। और जो बॉटम सबसे निचले हिस्से में जो न्यू पेमेंट का विकल्प है उसको क्लिक करने के बाद आप यूपीआई आईडी डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से आप व्हाट्सएप के जरिए डॉक्यूमेंट भेजते हैं, फोटोज भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं, लोकेशन भेजते हैं, तो उसी तर्ज पे पेमेंट का विकल्प दिया गया है और इसे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट कर पाएंगे, बशर्ते जो सामने जिसे आप भुगतान कर रहे हैं वो भी व्हाट्सएप का नए वर्जन को उसने डाउनलोड कर दिया हो और उसको अपना लिया हो। तो व्हाट्सएप के जरिए आपने देखा कि पेमेंट करना किस तरह से सरल है, लेकिन एक जो बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो नंबर आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड है वही नंबर व्हाट्सएप के साथ भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ जिस मोबाइल से आप व्हाट्सएप पेमेंट कर रहे हैं वो नंबर ही उस ऐप के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोगों का जो व्हाट्सएप नंबर वो दूसरा होता है लेकिन उस फोन के अंदर वो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। तो ये कुछ बारीकियां हैं जो लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट करने में। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये बताने के लिए कि क्या तरीका है व्हाट्सएप पे को इस्तेमाल करने का। लेकिन एक तरफ जहां फेसबुक ने व्हाट्सएप पर डिजिटल ट्रांजेक्शन की सुविधा दी है वहीं दूसरी तरफ एक सुविधा छीन भी ली है। फेसबुक अब व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स के लिए चार्ज करना शुरू करेगा। कंपनी ने हाल ही में इसको लेकर घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि कुछ सेवाओं के लिए चार्ज करना शुरू करेंगे। यह चार्ज कितना होगा और कौन सी सर्विस के लिए होगा इसके बारे में अभी कंपनी ने कुछ साफ नहीं किया है। खबरों की माने तो व्हाट्सएप बिजनेस पर मैसेज भेजने के लिए लगभग 3 से 5 रुपए प्रति मैसेज चार्ज करने की योजना है, जो कि छोटे बिजनेसेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।